ولعنة الله على آذائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلى الله फातिहा के तमाम मोमिन मोमनात के लिए, तमाम उलमाए कराम मराजो अज़ाम, तमाम शुहदा मिल्लत के लिए, हम सब के आबा अजदाद और रिश्तेदारों के लिए, और खुसूसन अकील ज़हरा बिनते ख्वाजा नाज़िर हुसैन, सैयदा मुबीन फातिमा जाफरी बिनते सैयद एजाज हुसैन जाफरी रहमतुल्लाह मन क़रा अल फातिहा. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. अर्रहमान अर्रहीम. मालिक यौमिद्दीन. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. और साथ ही गुजारिश है कि जितने मोमिन जहां जहां हैं उन सबकी हिफाजत के लिए, सेहत और सलामती के लिए, खुसूसन इराक में आजादार और जहाँ जहाँ जो जो बीमार हैं और दुश्मनों के नरके में हैं उन सब की हिफाजत के लिए, जो कैद हैं उनकी रिहाई के लिए. और बीमारों में एक यहीं आपके ब्रैम्पटन के कासिम साहब के, जिनका भी ऑपरेशन हुआ, उनके सेहत और सलामती के लिए, और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. बहुत तेज़ी से डिस्कस करें जो हम सब के फ़ायदे में होगा. वो आपने महसूस किया होगा कि हमने सूरह फातिहा के दौरान एक चीज़ की जाने तवज्जो दिलाई, हम सब के आबा अजदाद. ये मैं हमेशा तवज्जो दिलाता हूँ, याद रखें कि हमारे आबा अजदाद भी ऐसे ही जिंदगी गुजार रहे थे. अब उनकी कब्रों का भी हमें नहीं मालूम. अन करीब हम भी ऐसे ही गुमनाम हो जाएंगे. हमारी नस्लें जो हमारे खून से होंगी वो हमारे नामों को भी नहीं जानती होंगी. उन्हें यह भी नहीं पता होगा कि हम कहाँ से आए थे, कहाँ गए. और मुमकिन है हम ऐसे कब्रस्तानों में दफन होंगे जहां पर रोड़े बन जाए, वो हमारे ऊपर से गुजरेंगे और वो हमें याद नहीं रखेंगे. लिहाजा हमेशा अपने जहन में रख लें कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड रखते हैं इसमें, जबान की भी जरूरत नहीं है. जब कार्य खैर करें अपने माँ बाप को पहले मरहले में, नानी नाना, दादी दादा, और उसके बाद इनके जितने आबा अजदाद मोमिन गुजरे उन सबको शामिल करें. और ये मुतमईन रहें कोई भी अमल ऐसा नहीं है किसी को दे दें तो उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी. बाज दफा शैतान ही बरगलाता है कि बचेगा क्या, सब कुछ बचेगा. अल्लाह के यहाँ मामला तादाद का नहीं है, इश्क का और खुलूस का है. मोहम्मद अब सारी दुनिया में जो एक मामला चल रहा है कोविड-19 की वजह से, तो उसको बाज दफा बाज लोग दुश्मन एक खास पॉलिसी के तहत कि तुम्हारा जुलूस नहीं निकलेगा या आजादारी नहीं होगी. तो याद रखें कि एक वो आजादारी की कैफियत के जब फासिक फाजर और जालिम हाकिम रोके, एक ये वाली कैफियत के जो पेंडेमिक की वजह से या किसी वबा की वजह से है, इन दोनों में जमीन तक आसमान फर्क है. वहां पर अलग डिसीशन लिया जाएगा, वहां पर बात की जाती है, हम जान भी दे देंगे. यहाँ जो मौजू है सिचुएशन बिल्कुल अलग है. यहाँ पर कोई जान देने का फायदा नहीं है. अपनी जान देना भी हराम है, दूसरे की जान को खतरे में भी डालना हराम है. लेकिन अगर आजादारी इमाम हुसैन या रोजा इमाम हुसैन या किसी मुकद्दस मकाम की जान, मुकद्दस मकाम को खतरा हो, तो वहां पर अपनी जान देना, अपनी आल औलाद की जान देना, दर हकीकत अपनी जान को हमेशा के लिए बचाना है. लिहाजा दुश्मन एक्सप्लॉइट करते हैं, समझें कि वो क्या चाह रहे हैं. एक दूसरी बात ये कि जितनी आजादारी में इस पेंडेमिक की सिचुएशन को, कोविड-19 की सिचुएशन को मद्देनजर रख के करेंगे, उतना दुनिया के सामने हम एक दूसरी. आम तौर पर जो दीनी लोग हैं उन्होंने बाज दफा इसको एक खास निगाह से देखा है और वो इतना अच्छा नहीं है. मिसाल के तौर पर आप देखें कि जाहिर न्यू जर्सी में चर्च था, वहां पर भी शोर मचाया कि
कि जीसस क्राइस्ट बचा लेंगे, कुछ नहीं है, सब प्रोपेगेंडा है। सबसे पहले वही पादरी जो है वो उनकी जान गई और उनकी कम्युनिटी के ज्यादातर लोग मारे गए। इससे उन्होंने अपने आप को, अपने रिलीजन को खुद नुकसान पहुंचा है, क्योंकि ऐसा जीसस ने नहीं कहा था कि अपने आप को हलाकत में डालो। इसराइल में भी देखें तो वहां पर जो शिद्दत पसंद थे वो रोडों में बैठ गए और बाकायदा हा हा कर रहे थे, कुछ नहीं होता, वो भी गलत है। बाज जगह मुसलमान, चाहे शिया चाहे सुन्नी, हमने कई प्रोग्राम्स में लताड़ा कि ये तुम्हारी खुशफहमी है कि ये सारा एहतमाम तुम्हारी नमाज जुमा के लिए हुआ है। नहीं, ये मस्जिदों के खिलाफ साजिश है, ये इबादत के खिलाफ साजिश है ना बाबा। बैंक बंद हो गए, एयरलाइन बंद हो गई, अगर तुम समझते हो कोई ये साजिश तुम्हारे लिए है तो नाइट क्लब भी बंद हो गए, शराब भी बंद हो गई, फिक्स को फजूर के अड्डे भी बंद हो गए, तुम क्यों खुशफहमी में हो गए सारा एहतमाम तुम्हारी नमाज जुमा के लिए है? तुम क्यों खुशफहमी में हो ये सारा एहतमाम जो है सैनिकों के लिए? तुम क्यों खुशफहमी में हो सारा एहतमाम तुम्हारे चर्च के लिए है, संडे की इबादत के लिए? ना या वबा है, दो एहतमाम है, वबा है तो फबेहा, साजिश है तो इनका छोटा सा टारगेट नहीं है, इनका बहुत बड़ा टारगेट है। ना नमाज जुमा टारगेट है, ना सैनिकों टारगेट है, ना संडे की इबादत का टारगेट है, और ना मजलिस टारगेट है। उनका टारगेट बहुत बड़ा है। तो ये कह के कि ये हमारी इबादत को रुकाने, अगर ये साजिश भी है तो इसका मतलब है हम साजिश वालों का दिफा कर रहे हैं। कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि थोड़े से ये एंटी रिलीजन है, जबकि ये एहतमाम फिर मैं अर्ज करूं ये छोटे पैमाने पे नहीं हुआ है। मस्जिद इमाम बारगा, सैनिकॉक, चर्च, मंदिर, गुरुद्वारा, टेम्पल के लिए नहीं हुआ है, अगर है दोनों एहतमाम। और असल मौजू है जिक्र खुदावंद तबारक व तआला, जिक्र अंबिया अलैहिस्सलाम, और खुसूसन अय्याम में जिक्र शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और वो मुतमईन हो ज्यादा हो रही है, लोगों में ज्यादा तशनी है, ना वो कभी कम हुई और ना वो कभी कम होगी। सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले। मौजू गुफ्तगू जैसा कि आपके इल्म में है, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, और शुरू में भी हमने तवज्जो दिलाई कि ये अय्याम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे खलीफा की शहादत के, जो उनके नवासे थे नसीरी के। और मौजूए गुफ्तगू है हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, खलीफा उम्मत मुस्लिमा के बारे में इमाम। हम उन्हीं की इमामत के कायल हैं, उन्हीं की खिलाफत के कायल हैं। शुक्राए खुशनूदी है इमाम ज़माना बुलंद तक सलावा। अब ये जहन में रखें कि एक तो तमाम अदियान का एहतराम करना चाहिए, ये हम हमेशा कहते हैं, अव्वल तो तमाम कल्चर का, लेकिन उसके कतन ये माना नहीं है कोई अपना कल्चर हम पर मुसल्लत करे। तमाम रिलीजन्स का एहतराम है, लेकिन कतन ये माना नहीं है कोई कहे कि तुम हमारी होली पर्सनालिटी को भी होली समझो। दीन में और मजाहिब में क्या फर्क है? क्रिश्चियनिटी दीन है, क्रिश्चियनिटी रिलीजन है, जूदाइज्म दीन है, इस्लाम दीन है, सुन्नी शिया हसदिक और मिसाल के तौर पर रिफॉर्मर यहूदियों में, और रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट या यहोवा विटनेस या मॉर्मन क्रिश्चियंस में, ये उनके सेक्ट्स हैं। बस जब हम कहते हैं मजहब इस्लाम तो ये गलत कहते हैं, कहने को कोई भी कहते कोई पकड़ा नहीं, लेकिन दीन इस्लाम, दीन इस्लाम में मजहब शिया व मजहब सुन्नी, दीन मसीहियत में मजहब प्रोटेस्टेंट व मजहब यहोवा विटनेस या कैथोलिक, दीन यहूदियत में हसिडिक या मिसाल के तौर पर रिफॉर्मर या जो उनके दीगर फिरके हैं, तो इन सब का एहतराम है, लेकिन कोई किसी के ऊपर मुसल्लत नहीं हो सकता, मुसल्लत नहीं होना चाहिए। क्लैश ऑफ द रिलीजन,
क्लैश ऑफ द सेक्स और क्लैश ऑफ द कल्चर इसके हम फेवर में नहीं है, लेकिन इसके भी हम जर्रा बराबर इजाजत नहीं देंगे कोई हम पर मुसल्लत हो। इसी तरीके से हमें साजिश हो तो ये हमारा दिफा है, हम अपना दिफा करें और दूसरों को आईना दिखाएं, ये एक हमारा राइट है। लेकिन सबका एहतराम एहतराम के माना है कि किसी को हम तंग नहीं करते, लेकिन कोई हम पर मुसल्लत भी नहीं हो सकता। हाँ, डिस्कशन होना चाहिए, फ्री डिस्कशन होना चाहिए एहतराम के दायरे। अल्लाह के नाम पर कुफर के नाम पे कत्ले आम याद रखें कि तमाम रिलीजन्स के लिए खतरनाक है। जब भी मेरी गुफ्तगू होती है हिंदुओं से हो, सिखों से हो, ईसाई यहूदियों से, जब भी होती थी अमेरिका में, तो मैं हमेशा कहता था कि इस वक्त अदियान खतरे में है। याद रखें, अदियान खतरे में है, खुसूसन इस 10-15 साल में अदियान खतरे में है। क्यों खतरे में है? ना इस्लाम फकत, तमाम अदियान खतरे में। वजह यह है कि इस्लाम का खून खराबा हम सब आशना है, लेकिन इस्लाम मुहम्मदी को जब अगवा किया गया तो उसके बाद का खून खराबा। इस्लाम मुहम्मदी एक अलग चीज है, उसके बाद जो उसमें तहरीफ हुई, जो उसके वर्जन आए, वो अलग है। हम नुमाइंदे हैं जबान में ठेकेदार मुहम्मदी के हैं, हम किसी और कत्ले आम के इस्लाम के ठेकेदार नहीं। हम ना तालिबान के ठेकेदार हैं, ना अलकायदा के ठेकेदार हैं। ये हमारा हक है कि अपने दीन को उनसे बदनाम ना होने। हम अहले बैत के तरफदार हैं, अहले बैत के दुश्मनों की बदकारियों के हम जिम्मेदार नहीं हैं। और अगर इस्लाम उन बदकारों की वजह से बदनाम होगा तो हम वाजे उनको धुतकार के कहेंगे कि इस्लाम अलग चीज है, इन दुश्मनों ने अहले बैत से इस्लाम को रिलेट ना करें। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, इसी तरह से इंडिया में जो कुछ हो रहा है, बर्मा में जो कुछ हो रहा है और दीगर ममालिक में जो कुछ हो रहा है, तो याद रखें इस वक्त अधियान अपनी नेगेटिविटी को बहुत ज्यादा शो कर रहे हैं। तमाम इस्लाम नहीं, इस्लाम का जाली वर्जन। फर्क है इस्लाम इस्लाम मोहम्मदी में और दीगर इस्लामों में। इस्लाम मोहम्मदी हुसैनी सज्जादी बाकरी जाफरी काजमी रजबी तकवी नकवी अस्करी महदीवी की बात नहीं कर रहे हम। वो इस्लाम है वाकई मोहम्मदी है, लेकिन जो और चेहरे बिगाड़े जा रहे हैं कत्ले आम के जरिए से, तो इस्लाम को खूनी दीन बताया गया। इधर आप देखें क्रिश्चियनिटी में भी शिद्दत आ रही है, उधर आप देखें जूडाइज्म में भी शिद्दत आ रही है, उधर आप देखें बुद्धिज्म में कि जिनके लिए था कि जानवर भी नहीं मारते क्या क्या कर रहे हैं वो लोग। इधर आप देखें हिंदुओं की जो कभी वो इस्तेमाल की तरह से बाहर नहीं गए, अपने हद हदूद में रहे। एतराजात हैं, डायलॉग्स हैं, इश्कालात हैं, सरस से बाहर जाकर उन्होंने कत्लेआम नहीं किया, ये पॉजिटिव चीज थी उनकी। हमेशा दूसरों ने आके उनको मारा, अब वो भी आ गए खून खराबे पे। इसी तरह से चाइना में भी जाहिर है कुछ लोग बिल्कुल सोशलिस्ट हैं और कुछ लोग जो हैं बुद्धिस्ट हैं, कन्फ्यूशियस हैं, उनमें भी शिद्दत आ रही है। इसका जो नतीजा निकलेगा याद रखें, वो इस्लामिया इस्लाम के लिए यहूदियत या मसीहियत या हिंदुइज्म या बुद्धिज्म या इनके लिए नहीं खतरनाक, एक जर्नल ओपिनियन क्रिएट होगा कि अगली नस्लें ये कहेंगी कि ये जो लोग कहते थे सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट, ये याद रखें सारे कम्युनिस्ट काफिर नहीं होते। किसी को अगर आप सुने वो कम्युनिज्म में है तो जरूरी नहीं काफिर, क्योंकि वो इक्तसादियात में कम्युनिस्ट है, ये हम वाजे कर रहे हैं। बहुत जमीन दा आसमान फर्क है, इलाहियात में सोशलिस्ट होना और लेनिनिज्म और माओ पे जाना और इक्तसादियात में जाना, बड़ी जल्दी हम लोग काफिर बनाते हैं। तो इसका जो नतीजा निकलेगा वो ये निकलेगा कि वो जो एथियस उस जमाने में कहते थे कि द रिलीजन इज द अफ्यूम फॉर द पीपल माइंड, वो गलत कहते थे, वो बेचारे बहुत लिहाज करते थे। ये भी हमारी नस्लें कहेंगी याद रखें, यहूदी की ईसाई की मुसलमान की हिंदू की बुद्धिस्ट की जैन की सबकी नस्लें कहेंगी कि वो जो कहते थे द रिलीजन इज द अफ्यूम फॉर द पीपल माइंड, वो सादे लोग थे। हकीकत यह है द रिलीजन इज द पॉइजन फॉर द पीपल माइंड।
क्योंकि सब मार धाड़ कत्ले आम शोर शराबा मार दो जला दो ये कर दो ये कर दो ये कर दो। अगर ये है अल्लाह के दीन का नतीजा तो याद रखें अगला जो दौर आने वाला है वो इथियस का आने वाला मुतमिन हो जाए। अगला जो दौर आएगा वो बड़ी बर्बादी का दौर आएगा। लिहाजा सबको अपनी औकात में रहना चाहिए, तमाम अदियान को दूसरे का एहतराम करें। ये जो पाकिस्तान में हो रहा है क्योंकि अभी आसिया बीबी को मारने की बात हो रही है, सुना गलत है आसिया बीबी ने क्या तो इनकी जो सियासतदान है क्या मुकाबला आसिया बीबी को सियासतदान। वो बेचारी एक जारूफ कश बच्ची उसके ऊपर कुरान जलाने की तोहमत लगाती है, कुरान जलाया था मौलवी ने, कुरान जलाना तोहीन है। जनाब उस्मान के खिलाफ बगावतों में से जो एक मौजू था वो उनके कुरान जलाने का था, कुरान जलाना तोहीन है। किसने कहा कुरान जलाना तोहीन है? अगर कुरान जलाना तोहीन है तो जनाब उस्मान के खिलाफ जो लोग खड़े हुए उनमें से जो एक मौजू था, एक तो ये था कि वो अखराबा परवर थे, एक ये था कि उन्होंने फदक जो है वो मरवान को दे दिया था, एक ये था कि सारी हुकूमत और माल मरवान के हाथ में था, एक ये था कि मदीने का पूरा बिजनेस एरिया जो था महजूर, पूरी जो मार्केटें थी, तमाम इक्तिसादी निजाम जो है वो मरवान के भाई हारिस को दे दिया था, मरवान को पूरे अफ्रीका का खुम्स दे दिया था, 5 लाख दिनार 5 लाख सोने के सिक्के, ये चीजें थी, उन्हीं में से एक था वो कुरान जलाया उन्होंने। कौन से कुरान जलाया कि नहीं ये सब गलत है, एक होना चाहिए। तो यहां पर अलबत्ता सवाल आता है कि आप कहते हैं कि कुरान हाफ्त, कुरान जो है हफ्त यानी 7 किरातों में नाजिल हुआ, तो अगर अल्लाह की मंशा ये थी कि 7 किरातें हों तो खलीफा को बाकी जलाने की क्या फतह थी? आप ये कह रहे हैं कि हफ्त 7 तरह का नुज़ूल हुआ था, ये नजरिया है जनाब उमर का कि कुरान 7 हरफों पे नाजिल हुआ। हाँ, जब 7 हरफों पे नाजिल हुआ तो बाकी 6 को आग लगाने की क्या जरूरत थी? आप तो अल्लाह के खिलाफ गए। खैर, एक मौजू यह था कुरान जलाना, अगर इस बच्ची ने बेचारी ने ईसाई ने अब्बल तो उसने जलाया नहीं, और अगर जला भी दिया तो उसको तो ये नहीं पता कि ये लिखा हुआ ऐसे होता है कि ऐसे होता है कि ये अरबी है कि ये फारसी है उर्दू है या हिंदी है, उसको बेचारी को क्या पता है? उस बच्ची की सजा ये होगी। ये इस्लाम की कोई कामयाबी नहीं है, ये इस्लाम की जिल्लत है। बाज दफा लोग बड़े खुश हुए, क्या नाम था उसके वजीर का कि जो धमाका हुआ था, जाहिर स्वीडन में, न्यूजीलैंड में धमाका हुआ, समझ रहे हैं कि जी वजीर ने स्कार्फ पहन लिया इस्लाम की कामयाबी। शर्म करो, वो उसकी कामयाबी है। इस्लाम की कामयाबी ये होती कि पाकिस्तान में जब आसिया बीबी को मारा जा रहा होता तो तुम जुलूस निकालते आसिया बीबी के लिए, जैसे उसने स्कार्फ पहने थे। इस्लाम की कामयाबी जब होती जब उस बच्ची को तुम मारने की बातें कर रहे थे तो मुसलमान सारे निकलते उस बच्ची के दिफा में कि हम इस बच्ची को गो के जमादार है, गो के गरीब है, गो के मसीही है, हम कत्ल नहीं होने देंगे। ये थी इस्लाम की कामयाबी। वो जो न्यूजीलैंड में कामयाबी हुई है वो मसीहियों की कामयाबी हुई है, इस्लाम की नहीं हुई है। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले बिल्कुल इसी तरह से जो कुछ हो रहा है हिंदुओं के साथ कतन काबिल मजम्मत है, जो कुछ हो रहा है कादियानियों के साथ कतन काबिल मजम्मत है। डायलॉग करो, इख्तलाफ रखो, आप उनको नहीं समझते मुसलमान अपने दिल में रखो। ये बाजारों में गली और कूचों में इधर उधर इसका कत्ल उसका कत्ल, इसकी लड़की अगवा उसकी लड़की अगवा, ये इस्लाम की तरक्की नहीं है, ये इस्लाम की जिल्लत है। बिल्कुल दफा लोग हिटलर की तारीफ करते हैं, हिटलर की तारीफ करके तुम समझते हो पक्के मुसलमान हो गए, हिटलर की तारीफ करके तुमने इस्लाम को बर्बाद कर दिया। इस्लाम ये कहता है कि जालिम की मजम्मत करो, खुसूसन मौला अमीरुल मोमिनीन की वसीयत थी इमाम हसन इमाम हुसैन के लिए, तमाम लोगों के लिए, कूना लिज़्ज़ालिम हसना वलिल्मज़लूम औना, जालिम के मुखालिफ हो चाहे वो कोई हो, चाहे शिया क्यों ना हो, मजलूम के तरफदार हो चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। पाकिस्तान में मसला हुआ था उस जमाने में मैंने खुल के लगा, मैंने कहा सिपाही सहाबा का अगर एक आदमी 1000 शियों को मार दे, बाद में ताज्जुब होगा पुलिस वाले आए कहने लगे तो नहीं बात कर रहा, उसने मेरे नंबर लिए पास पुलिस वाले, मैंने कहा सिपाही साहबा का अगर कोई आदमी हमारे 1000 लोगों को मार दे और आपको उसका बच्चा आपके हाथ में उसका बच्चा आ जाए तो याद रखें उसके बच्चे को ऐसे करना भी हराम है। ओ,
उसके बच्चे को आपको नहलाना होगा, धुलाना होगा, खिलाना होगा, पहलाना होगा, बहलाना होगा, फिसलाना होगा, रात को रोएगा, टहलाना होगा, लोरी सुनाना होगा। क्यों? कि बाप कातिल है आपके हजार शियों का, उसका बच्चा नहीं हूं। यह है इस्लाम मोहम्मदी अलवी। बारा चुनार में मौजू चल रहा था, उस वक्त भी हमने खुल के कहा यह मजलिसों में, अगर खुदा ना खास्ता हमारी खवातीन पे हमला होता है, हमारी जाने जाती हैं, लेकिन बाद में इनकी खातून हमारे हाथ में आ जाए, तो उसका दुपट्टा उतारना तो बहुत बड़ी बात है, अर्श खुदा हिल जाएगा। हत्ता हिंदू औरत का दुपट्टा उतारना, हत्ता बुद्धिस्ट औरत के जिस्म के कपड़े उतारना, हत्ता अगर उस कपड़े से भी छुआ उसको तो गुस्सा ही नहीं। ये नहीं हो सकता कोई आदमी जुर्म करे तो उसकी बीवी से इंतकाम ले। ये मजहब हक्का है, अहले बैत नहीं है, ये दीन मोहम्मदी, ये इस्लाम मोहम्मदी नहीं है, ये और इस्लाम है, इस्लाम मोहम्मदी ये नहीं है। सलावत पढ़ें पर मोहम्मद वाले, आज भी हमें खुले आम कहना चाहिए कि सिपाही सहाबा वाले लाख ये कहें काफिर काफिर शिया काफिर, हमें जवाब में कतर नहीं कहना है सुन्नी काफिर सुन्नी काफिर, ना मुसलमान। सिपाही सहाबा वाले लाख कहें कि हम तुम्हें कतल करेंगे, हम जवाब में कहें कि हम तुम्हारा कोई औलाद को कतल नहीं करेंगे, तुम चलो अपने बड़ों की रविश पे, हम चलें अपने बड़ों की रविश पे। माविया ने पानी बंद किया, लेकिन जब मौला अमीरुल मोमिनीन के हाथ में पानी आया, था क्यों मुतमईन था, उसे पता था पानी बंद हो गई, फौजी शिकस्त थी, अंदर से इत्मीनान था, अंदर से उसे इत्मीनान था कि पानी बंद, बज़ाहिर एक फौजी शिकस्त है कि पानी चला गया अली के हाथ में, लेकिन पानी बंद नहीं होगा। यही कैफियत नजर आती है वही मरवान के जो तमाम फितनों में आगे आगे था। जब मदीने में वाकया हर्रा के बाद मरवान की औरतों की इज्जतों को खतरा हुआ, क्योंकि यजीद फौज से हमला करा चुका था, कब, कि जब वहां पर कत्लेआम हुआ, औरतों की इज्जतें लूटी, जब मरवान ने दिफा किया। इसे कहते हैं मजहब हक़ अहले बैत, और यही दर हकीकत है इस्लाम मुहम्मदी अलवी हसनी फातिमी हसनी हुसैनी। सलावत पढ़ें पर मोहम्मद वाले, और इसी के जो मुहाफिज हैं वो अल्लाह के बारे में खलीफा है। अब ये ध्यान में रखें कि बारहवें खलीफा के बारे में कल हमने गुफ्तगू की के वो हजरत साइमन पीटर की नस्ल से हैं, इमाम जमान की नानी की जानिब से, और होते हुए वहां तक पहुंचते हैं कहां तक, हजरत इब्राहिम तक। याद रखें कि बगैर हुज्जत के इमाम जमान कभी कुछ नहीं करेंगे। ये जो जहनों में लोगों के आता है कि आती कतलेआम का बाजार करेंगे, असल बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। एक नबी और इमाम पहले हुज्जत को तमाम करते हैं, अकलों को, मेंटल लेवल को, आईक्यू को देखते हुए हुक्म सादिर करते हैं। इमाम के लिए कतअन जायज नहीं है किसी एक आदमी को भी छू दें जबकि वो कुछ ना जानता। इसी तरीके से जहन में रखें, इन चीजों को हम खुल के पहले बयान कर चुके हैं ये सोचते हुए कि शायद प्रॉब्लम होंगे। अपने लेक्चर्स हमारे 8-10 साल पहले के शिया व्यूज में अगर आप जाके देखें, हमने पूरी अकायदे शिया फिक्र शिया को बयान किया, हमने वाजे कहा कि हर काफिर जहन्नम में जाएगा, हमने वाजे कहा नहीं जाएगा, हर काफिर जहन्नम में नहीं जाएगा जब तक कि उसको हुज्जत तमाम ना, ना अजाब खुदा बगैर हुज्जत के है, ना जहन्नम बगैर हुज्जत के है। आप नेपाल छोटी में 17 साल की बुद्धिस्ट लड़की मर गई तो अल्लाह उसको जहन्नम में डालेगा, ऐसा है ना? उसका इम्तिहान होगा उसके अक्ल शऊर के मुताबिक, उसका हिसाब किताब होगा उसके अक्ल शऊर के मुताबिक। ये यहाँ पर जो स्कीमोज 600 साल पहले मर गए सब जहन्नम में जाएंगे, इनको पता था रसूल अल्लाह, इनको पता था मौला अमीरुल मोमिनीन, इनको पता था इमाम हुसैन के साथ क्या होगा, इन तो को जो पता था, जितना अक्ल था, जितनी अक्ल थी, जितनी हुज्जत थी, जितना पैगाम आया उसका हिसाब तो बड़ी जल्दी जो काफिर 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 काफिर, ये हम लोग बड़ी जल्दी बनते हैं, ये भी काफिर, ये भी काफिर, ये भी काफिर, ये भी काफिर, ये भी काफिर। थोड़ी नमाजें पढ़ने के बाद बहुत, हमारे उस्ताद के एक आदमी नमाज शब में उठा, उसके बाद जो है दीवार को हाथ लगा रहा है कि सोने की बन रही है कि नहीं बन रही
एक दिन की नमाज तहज्जुद से इंसान जो है वो अच्छा खासा ना पढ़ता तो ढंग का था, बाद में पता चला तकब्बुर हो गया एक दिन की नमाज शब से लग रहा है, इससे बेहतर था ना पढ़ते बेटा। दो रकात नमाज फजर पढ़ो बगैर अजान अकामत के, लेकिन इंसान के बच्चे हो। ये तो हम बार बार बड़ों से भी कहते हैं, खुसन बुजुर्गों से, बहुत शौक है तिलावत कुरान का तो कीजिए, अगर हिम्मत नहीं है तो बहू से चाय की तवक्को ना रखें, उसको सोने दें, ज्यादा बेहतर है तिलावत कुरान से। यह है इस्लाम, नहीं हम बस हो जाओ। इसने कहा कि चाय पियो तो कुरान पढ़ो, सन्ना पढ़ो, ज्यादा सवाब यह है, खुद भी कुरान ना पढ़ो, खुद भी नाश्ता बना के उसको भी खिलाओ, खुद भी खाओ। ये इस्लाम सवाल पढ़े पर मोहम्मद वाले। तो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम हुज्जत को तमाम करें, बिल्कुल न डरे। हमारे उस्ताद फरमाते थे कोई वहशत की जरूरत नहीं, हाँ शर्म आनी चाहिए, अलग चीज है शर्म और वहशत, ये एक है दोनों, शर्म अलग चीज है वहशत अलग चीज है। हमें उनसे शर्म आनी चाहिए कि हमें कैसा होना चाहिए और कैसे है। डर डर शर्म वाला डर। तो फरमाते थे याद रखो कि उनके अलावा हमारा कोई नहीं है, वो बात हो गई सही। फिर वो फरमाते थे कि हमारे अलावा भी उनका कोई नहीं है, वो बड़ी मोहब्बत करते हैं, वो रोते हैं, वो रोने वाला जो है वो गुस्से में नहीं अफसोस में, क्या कर रहे हैं, यानी वाकन रोने का मकाम हो जो मावी और हिंदा की मानने वालियां पर्दा करें, अली की बेटियां पर्दा ना करें, ये इमाम ज़मान रोएंगे। मावी और हिंदा के मानने वाले कहें कि जी हम शादी करेंगे उसमें पार्टीशन होना चाहिए, ये पार्टीशन अमेरिका में यूरोप में हर जगह मिल जाता है अगर थोड़ा सा पैसा लगाया जाए, जो कहते हैं यहाँ मिलता नहीं है, सब कुछ मिलता है, उसके पैसे देने होते हैं जरा पर्दा लगाने। तो यहां पर यह सोचना चाहिए। तो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम हुज्जत को तमाम करें, हत्ता रिवायतों में नकल हुआ एक बहुत बड़ी तादाद यहूदियों की ईमान ले आएगी, कब ले आएगी कि जब इमाम ज़मान तौरात के नुस्खे और ताबूत सकीना निकालेंगे कहां से, बहर तिब्रिया से। बहर तिब्रिया जो है उसूलन तो हमें कहना चाहिए फलस्तीन में, लेकिन जब इसराइल कहा जाता है तो बहर तिब्रिया, वहां पर दो बड़ी बड़ी लेक्स हैं, एक खारे पानी की है एक मीठे पानी की है। खारी वाली जो है वो डेड सी है, मीठे पानी वाली जो है वो तिब्रिया सी है। तो वहां की तह से इमाम ज़मान ताबूत सकीना निकालेंगे। ताबूत सकीना ना हजरत सकीना बिन्त हुसैन, ताबूत सकीना वो तबर्रुकात है अंबिया बनी इसराइल के जो संदूक में। ये ताबूत सकीना होता था कहां पर, माउंट ऑफ मोरिया में। माउंट ऑफ मोरिया में क्या बनाया था हजरत सुलेमान ने, द टेंपल ऑफ शलूम सुलेमान, वहां पर था होली ऑफ द होलीस्ट, एक मुकद्दस कमरा, उसमें था ताबूत सकीना। ये ताबूत सकीना खो गया, समंदर में डाल दिया गया। अब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम इस ताबूत सकीना को निकालेंगे, तौरात को निकालेंगे, डंडा लेके नहीं मारेंगे यहूदियों को तलवार लेके, पहले इस ताबूत सकीना को और तौरात को यहूदियों के सामने पेश करें, यहूदी इसको चेक करेंगे। चेक कैसे किया जाता है, मिसाल के तौर पर लेयर्स देखी जाती हैं कि जो किसी भी चीज के ऊपर चढ़ती हैं, कि जो जियोलॉजी का भी टॉपिक है, और फॉसिल्स वगैरह को भी चेक किया जाता है, और बाकायदा साइंटिस्ट बैठते हैं उसके बाद कहते हैं कि इतनी जो लेयर जमी है ये जो है मसलन इतने साल का तो है, ये पेपर इतने साल का है, इसके ऊपर जो लेयर्स जमी है इतने साल की है। तो इमाम ज़मान पहले तौरात पेश करेंगे, ताबूत सकीना पेश करेंगे, और रिवायात में है कि अच्छी बड़ी तादाद यहूदियों की ईमान ले आएगी। फिर भी ऑप्शन होगा कि आराम से रहो, लेकिन वो जंग करेंगे, जब जंग करेंगे तो इमाम जंग फरमाएंगे। तो
तो इमाम का जो काम है वो याद रखें कि तमाम अंबिया के वो जानशीन है, रहमतुल आलमीन के जानशीन है, उनसे राज व न्याज करें, उनसे मोहब्बत करें, कभी कभी तन्हाई में हत्ता भी बैठे बैठे जो है उनका तसव्वुर करें कि या इमाम ज़मान मैं आपको पुरसा देता हूँ, इन तमाम दुनिया की मजालिस के जो बानी हैं और साहिब पुरसा हैं वो। और इस वक्त याद रखें कि हम में से भी किसी की औलाद का अगर खत्म हो जाए तो हमें पहले उनको पुरसा देना चाहिए, यानी अगर शिया बेस पे कत्ल होता है हम में से भी किसी की आल को औलाद का भाई का, तो हमें पुरसा किसको देना चाहिए? लोग हमको दे दें दे दें, लेकिन हमें उनको देना चाहिए क्योंकि ये हमारा नहीं है, ये और हम सब उनके हैं। ये जो बच्चा अगर हमारा मारा जाता है फर्ज करें, या भाई वजह से नहीं मारा गया, ये हमारी माँ की वजह से नहीं मारा गया, ये हमारे दादा की वजह से नहीं मारा गया, हमारी दादी या नाना या नानी की वजह से नहीं मारा गया, ये इमाम ज़मान के नाना जद्द रसूल अल्लाह की वजह से मारा गया, उनकी मोहब्बत की वजह से मारा गया है, उनके बागियों ने मारा है, ये इमाम ज़मान के वालिद और जद मौला अमीरुल मोमिनीन और उनकी जद्दा हजरत फातिमा की मोहब्बत के जुर्म में मारा गया। जितना दुख उनको होगा याद रखें उसका 1% दुख भी हमें नहीं हो सकता, इस आजादारी के बानी भी वो हैं, इस आजादारी के साहिब पुरसा भी वो हैं, और अगर हम में से भी किसी की आल औलाद को कत्ल कर दिया जाए, चाहे इराक में, चाहे शाम में, चाहे लुबनान में, चाहे बहरीन में, चाहे पाकिस्तान में, चाहे नाइजीरिया में, चाहे शख में, चाहे गर्ब में, तो याद रखें सबसे पहले खबर सुनने के बाद जो हमें सलाम करना चाहिए और कांटेक्ट करना चाहिए, इस वक्त हमारा मौजू ज़ियारत चल रहा है उसे डिस्कस नहीं करेंगे, सलाम और ज़ियारत और कांटेक्ट के माना क्या है याद रखें, कोई मुश्किल नहीं है अल्लाह से कांटेक्ट करना कि जिनके सर के ऊपर थोड़ा सा कपड़ा है। हर आदमी जो है टूटे हुए दिल के साथ अल्लाह से एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से कम में कांटेक्ट कर सकता है, हत्ता ज़बान बगैर हिलाए और हाथ बगैर हिलाए, दिल में कहे या अल्लाह, हत्ता या अल्लाह कहने की भी जरूरत नहीं, जरूरत नहीं से मुराद है कि ना कहें, यानी आप मोहताज नहीं है, दिल में रखा कि तमाम कायनात का मालिक या अल्लाह मैं शर्मिंदा हूं, ये आपका फौरन कॉन्टेक्ट हो गया। दिल में इस वक्त आप कहें कि या इमाम ज़मान, उस अल्लाह के नुमाइंदा वो हैं कि जो गैबत में है, या इमाम ज़मान में आपके जद हुसैन का पुरसा आपको देता हूँ, सलावत पढ़ें बड़ा मोहम्मद या इमाम ज़मान में आपकी जद्दा और आपकी फुफियों हजरत ज़ैनब और हजरत उम्मे कुलसूम की असीरी का पुरसा आपको देता हूँ। इमाम ज़मान की आंखों का हाल जानते हैं क्या है, ज़ियारत नाहिया में नक़ल हुआ, वला अबकियन्ना अलैका बदल दुमू दमा, ऐ मेरे जद इमाम हुसैन में आप पे आंसुओं के बदले खून से गिर लिया करता हूँ। एक वाकया खुद अल्लामा तालिब जौहरी साहब रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने, कि उनके दर्जात की बुलंदी के लिए अगर वो होते तो इस साल अशरा पढ़ रहे होते, दुआ है कि इस वक्त वो बरज़ख में मासूमीन रहमतुल्लाह सलाम के लिए अशरा पढ़ रहे हों, हमारे मरहूमीन के लिए अशरा पढ़ रहे हों, उनके दर्जात की और तमाम खिदमत गुजारान अहले बैत और तमाम शोरा अहले बैत, तमाम ज़ाकिरीन अहले बैत, तमाम खिदमत गुजारान अहले बैत के दर्जात की बुलंदी के लिए बरमुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सुनाया। हमारे भी एक दो उस्तादों ने वाकया सुनाया कि किसी ने आयतुल्लाह उज़्मा हकीम से सवाल किया, आयतुल्लाह उज़्मा सैयद मुहसिन हकीम तबतबाई, उनसे सवाल किया कि ये जो इमाम ने फरमाया वला अबकियन्ना अलैका बदल दुमू दमआ, कि ऐ मेरे जद इमाम हुसैन मुझे वक्त ने मौखर कर दिया, मैं आपकी नुसरत नहीं कर सका, बस मैं अब आप पर आंसुओं के बदले खून से रोता हूं, तो यहां पर खून खून वाकई है या जैसे मजाजन कह देते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि मेरा दिल खून खून कर दिया, जैसे कहते हैं मेरा दिल फट गया, तो वाकन दिल फटा है या ना फटा नहीं है, जैसे कहते हैं मजाजी, कहते हैं नाक लंबी है, हकीकतन नाक लंबी है ना, यानी नखरे ज्यादा है, अना ज्यादा है, तो यहाँ पे उन्होंने सवाल किया कि वाकन इमाम आंसुओं के बदले खून से रोते हैं या ये कि तो आला हकीम ने जवाब नहीं दिया, उन्होंने थोड़ा सा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र किया और उसके बाद एक रुमाल जो है इस तरह से रखा और उसके बाद जो है दिखाया
तो दो छोटे छोटे इंतहाई खून के डॉट थे इधर और इधर, और ये उनका जवाब था कि जो मुझ जैसा तो उनको बहुत बुलंद मकाम था, लेकिन इमाम जमान के मुकाबले में तो जाहिर कुछ नहीं। उनका उनका जवाब ये था कि हाँ इमाम जमान अलैहिस्सलाम, वजह क्या है कि हर रोज उनके सामने करबला के चंद मरहलों को उनके सामने मुजस्सम करके दिखाया जाता है, और अपने जहूर का हमसे ज्यादा वो इंतजार कर रहे हैं, और हमारे तैयार होने के लिए जितनी हम दुआ करते हैं उस कर रहे हैं कि या अल्लाह इन लोगों को तैयार कर। और एक मौजू अगर जिंदा रहे और अगर याद रहा तो पढ़ेंगे, न याद रहा तो हत्ता अगर मजलिस खत्म भी हो रही हो तो आप में से याद दिलाए, वो है आशूर के दिन का मौजू, कि खास डिस्कशन है ईद और आशूर के मौजू में कि उसका क्या ताल्लुक है, और ताल्लुक है इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से। तो इस वक्त दिल ये कहता है कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम क्या कर रहे हो, किसी को पता है? आम हालात में हमें नहीं पता कि किस वक्त क्या कर रहे हैं। अलबत्ता एक दिन अल्लामा तारिक जौहरी साहब वाकई बड़े हरफन मौला थे, बड़ा इल्म था, तो बता रहे थे कि ऐसे उन्होंने कुछ हिसाब लगाया, कुछ और लोग भी आए हुए थे, हल्का सा हिसाब लगाया और ऐसे सवाल किया कि इस वक्त इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम क्या हिसाब लगाया था, उसमें जवाब आया था, पर्चा उन्होंने हमें दिखाया था कि इस वक्त रुकू में हैसियत नहीं, अहमियत नहीं, के बाज दफा लगते हैं, बाज दफा सही होते हैं, बाज दफा गलत होते हैं, हिसाब किताब में ऐसी वैसे पढ़ना मुनासिब नहीं। आम हालात में हम नहीं कह सकते कि इस वक्त इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम क्या कर रहे होंगे, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि इस वक्त इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम किसी न किसी जगह पर, किसी न किसी मोमिन के घर पर क्या कर रहे होंगे, अपने जद इमाम हुसैन के। और याद रखें कि एक जो हमारा अमल है कि खुदा हमारे सारे अमल को बेहतरीन करार दे, हमारे एक अमल से वो बहुत राजी हैं, बहुत खुशनूद हैं, और वो यही सिया कपड़े और यही सिया लिबास और सोज और सलाम और नौहर और मरसिया और या हुसैन। अब या हुसैन के बाद जब वो गुना देखते हैं तो उनका दिल टूट जाता है, लेकिन हमारी कौम की जो खसूसियत है याद रखें कि हर शख्स या हुसैन में जो मशगूल है, इससे इमाम जमान को बहुत उम्मीद है, और इमाम जमान जो हम पर लुत्फ करम फरमाते हैं वो इसी या हुसैन से, याद रखें, क्योंकि हमारा गुनाहगार से गुनाहगार आदमी हजार कसम के गुनाह कर दे, नमाजों को छोड़ दे, वाजिबात को छोड़ दे, या हुसैन को नहीं छोड़ता, और या हुसैन से जो वाबस्तगी है यही उसको आखरत में कामयाब करेगी, गुमराह नहीं होने देगी। अज्रकुम अल्लाह, ये वो अय्याम हैं कि जिसमें हुसैन करबला पहुंच गए। अब समझ में नहीं आता कि इमाम हुसैन के आज मसाइब बयान होंगे या जनाब ज़ैनब के बयान होंगे। करबला में पहुंचते ही जनाब ज़ैनब के मसाइब शुरू होते हैं। इमाम हुसैन की एक रुख्सत है मदीने से, जो शान और शौकत से रुख्सत हुई बीबियां, लेकिन एक वक्त आया कि तमाम बनी हाशिम में हलचल सी मच गई, और यह हलचल ऐसी हलचल थी कि जैसे कि शायद रसूल अल्लाह, लेकिन एक ऐसी हलचल थी कि इमाम हुसैन के चेहरे पे भी नजर आ रही थी, और वो हलचल थी कि जब सानी ज़हरा निकली, कि तमाम बनी हाशिम में एक हलचल थी, क्योंकि जनाब ज़ैनब का जो मकाम है याद रखें बहुत बुलंद मकाम है। अगर मुख्तसर सा अर्ज करूं कि दोबारा भी अर्ज करूंगा, वो फकत इमाम हुसैन की बहन के उनवान से नहीं है, जनाब ज़ैनब हुसैन के बाद इमाम हुसैन की खून की मुहाफिज हैं, और जिंदगी में अपने जमाने के इमाम की खून की मुहाफिज हैं, और इमाम की मौजूदगी में इमाम की बजाय इमामत के खुतबात और इमामत के अहकाम जनाब ज़ैनब की जबान से सादिर होते हैं। सानी ज़हरा ऐसे ही नहीं है। अब एक वक्त आया कि तमाम बनी हाशिम में एक हलचल सी, एक एहतराम सा है कि सब हिल के रह गए, घबरा से गए, परेशान हो गए, एक खास एहतमाम है, एहतराम है। वजह क्या है कि जनाब ज़ैनब के जो सारी ये जहरा हैं वो अब घर से निकली है। अज्रकुम अल्लाह, एक वक्त आया कि इमाम हुसैन भी अपनी जगह से उड़ गए। यह है मदीने से रुख्सती किसकी? जनाब ज़ैनब की। अब ये काफिला 28 रजब को निकला और 5 शब्बाल को मक्के पहुंचा,
और फिर 8 ज़िलहिज को दोबारा रुखसती है इसी काफिले की। पहला काफिला मदीने से निकला, पहले मरहले में मदीने से यह काफिला निकला मक्का की जानिब, और आज 8 ज़िलहिज को मक्के से हरम इलाही से यह काफिला निकलेगा कूफा की जानिब। अज्रकुम अल्लाह, तमाम दुनिया हज कर रही है और वारिस काबा, वारिस जमजम, वारिस हरम सरजमीन मक्का को छोड़ के जा रहे हैं। रवायात में नकल हुआ कि हज को तर्क किया और बाज जगह बयान हुआ कि हज को उम्रे से बदला। सब रुके हुए हैं, सब आ रहे हैं और वारिस काबा रुकाबा की रूह जो है वो मक्के से निकल के कूफे की जानिब बढ़ रही है। अब दोबारा वो मरहला है, अब एक वक्त आया, एक वक्त आया कि ये काफिला करबला की सरजमीन पे पहुंचा। ये काफिला करबला की सरजमीन पे पहुंचा, लेकिन ऐसे ही नहीं पहुंचा, ये तो कूफे जा रहा। एक मंजिल जुबारा आई कि जहां पर इमाम हुसैन ने फरमाया कि पानी भरो और जरूरत से ज्यादा पानी भरो, और फिर एक मंजिल पर पहुंचने से पहले एक तकबीर की निदा बुलंद हुई इमाम हुसैन ने, और सवाल किया कि तकबीर की वजह क्या है, तो इमाम के एक सहाबी ने कहा कि मैं देख रहा हूं ये नखलिस्तान नजर आ रहा है, और नखलिस्तान नजर आ रहा है से मुराद ये कि कुछ देर वहां पर हम बैठेंगे और साय में कुछ सुकून की घड़ियां गुजारेंगे। लेकिन फौरन ही लोगों ने जब गौर से देखा तो कहा कि ये नखलिस्तान नहीं है, ये परचम और नेजे और घोड़े नजर आ रहे हैं, ये फौज है। ये फौज किसकी है? हुर की फौज है, बात ये भी सही है, लेकिन ये फौज यजीद की फौज है, ये फौज इब्ने ज़ियाद की फौज है। एक वक्त आया कि ये फौज सामने पहुंची और इस फौज का जो कमांडर है उसका नाम है यजीद इब्ने हुर इब्ने यजीद रहा। अब याद रखें कि इमाम ने इम्तिहान लिया, जिस तरह से खुदावंद तबारक व तआला का इम्तिहान होता है मुश्किल के दिखा रहता है। एक वक्त आया कि हुर ने आकर पैगाम दिया कि मुझे हुक्म मिला है कि आपको कूफा न जाने दूं, फिलहाल और वापस भी मदीने न जाने दूं, और जब हुक्म आएगा तो फिर आपके लिए फिर आपको मैं दोबारा कूफे ले जाऊंगा। एक वक्त आया कि इमाम ने जब रास्ता रोका तो इमाम ने एक इम्तिहान लिया और एक जुमला कहा जनाब हुर से, सकलत का उम्मुक। याद रखें कि ये कोई गाली या बुरा जुमला नहीं है, ये अरब में कहा जाता है कि तुम्हारी यानी उम्र कम हो, तुम्हारी माँ तुम्हारे गम में रोए, यानी उम्र कम हो। अब ये जुमला जो था दर हकीकत ये एक इम्तिहान था। होना यह चाहिए था कि इमाम हुसैन को तनहा देखकर, कम तादाद में लश्कर देख के जनाब हुर भी यही जुमला कहते, लेकिन तारीख में नकल हुआ कि जनाब हुर ने कहा कि अगर आपके अलावा कोई कहता और वो भी आप जैसे हालात में होता कि क्या करता, यानी आप कलील हैं, लेकिन मैं नहीं कह सकता, यानी मैं ये भी नहीं कह सकता कि आपकी माँ आपके गम में रोए, क्योंकि आपकी माँ कौन है? फातिमा। मैं फातिमा के लिए नहीं कह सकता कि वो रोए। एक इम्तिहान था। इस इम्तिहान के बाद जनाब हुर को गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन अगला इम्तिहान फिर इमाम हुसैन ने कुछ देर के बाद उससे लिया कि जब जोहर का वक्त हुआ और जनाब हज्जाज बिन मसरूक ने आजान दी तो इमाम हुसैन ने पैगाम भेजा और पूछा कि नमाज हमारे साथ पढ़ोगे? ये अगला इम्तिहान। होना यह चाहिए था कि वो कहते कि सही है मैंने कुछ नहीं कहा आपको, सही है मैंने नहीं कहा हजरत फातिमा के लिए कि वो भी रोए, लेकिन नमाज नहीं पढ़ता आपके पीछे। दिल मजीद नरम हो गया, बगावत नहीं आई, हाँ नमाज में आपके साथ पढ़ूंगा। अब उसके बाद एक और इम्तिहान, नमाज असर भी साथ पढ़ी। अज्रकुम अल्लाह, ये है हुर। अब एक वक्त आया कि काफिले को कूफा जाने से रोक दिया गया और एक बयाबान की जाने फौज इमाम हुसैन को इस तरह से ढकेलती रही। एक वक्त आया कि काफिला एक सरजमीन पर पहुंचा। इमाम हुसैन ने सवाल किया कि सरजमीन का नाम क्या है?
तो जवाब मिला कि अकर, इमाम ने फरमाया आऊज़ु बिल्लाहि मिनल अकर, और क्या नाम है नैनवा, और क्या नाम है हाजर, या और क्या नाम है कर्बला। इमाम ने फरमाया हाव अर्द कर्बन वबला, ये जमीन है कर्बला। मट्टी उठाई और कहा कि ये वही मट्टी है कि जो मेरे नाना के जनाब इब्राहिम ने, और उसके बाद एक जुमला कहा, हा होना मुहित रहालना, हा होना मक्तलना व मस्फक दिमाइना, ये हमारे कत्ल की जगह है, यहाँ हमारा खून बहाया जाएगा। तसव्वुर करें कि जनाब ज़ैनब ने अभी कत्ल होते हुए नहीं देखा, खून बहते हुए नहीं देखा, अभी फकत ये जुमला सुना तो जनाब ज़ैनब को गश आ गया, जनाब ज़ैनब को गश आ गया कि मेरा भाई ये कह रहा है कि यहाँ हमें कत्ल किया जाएगा, यहाँ हमारा खून बहेगा, अभी खून नहीं देखा, खून बहने का सुना और जनाब ज़ैनब को गश आ गया। रिवायात में नकल हुआ इमाम हुसैन ने जनाब ज़ैनब को आगोश में लेके पानी छिड़क के बेदार किया। अब जो जनाब ज़ैनब बेदार होती हैं तो भी गिरिया कर रही हैं। याद रखें कि जनाब ज़ैनब को ऐसा इश्क था इमाम हुसैन से कि आम हालात में भी इमाम हुसैन को देखती रहती थी। अब तो इमाम हुसैन की आगोश में आँख खोली है, मुसलसल निगाहें इमाम हुसैन की जानेब हैं, और क्यों ना हो कि जनाब ज़ैनब भी जानती है कि मैं भी इम्तिहान के लिए आई हूँ, हुसैन भी इम्तिहान के लिए आए हैं, अजरकुम अल्लाह। लेकिन एक वक्त आया, आज जनाब हुर के मसाइब भी पढ़े जाते हैं, एक वक्त आया कि जनाब हुर उमर सास से सवाल करते हैं कि ओ उमर सास क्या इरादा है। कब? कि जब हमला हब्बल का हुआ कि उमर सास ने एक जुमला कहा कि ऐ लोगों गवाह रहना अमीर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के पास के पहला तीर मैं चला रहा। जब ये तीर चला तो एक बड़ी तादाद में असाब इमाम हुसैन जख्मी हुए, शहीद हुए। जब ये जुमला सुना, जब ये मंजर देखा, जनाब हुर ने सवाल किया कि हुसैन से जंग होगी, तो उमर साद ने, लेकिन उमर साद कौन है? उमर साद इब्ने अबी वक्कास सहाबी, अबी वक्कास साद इब्ने अबी वक्कास का बेटा ये है उमर साद। ये कहता है कि हाँ जंग होगी, और अकल जंग, कम तरीन जंग ये होगी कि बाजू तन से जुदा होंगे और सर कलम। जनाब हुर ने जब ये देखा तो वो घबरा गए और कांपने लगे। उन्हीं का एक दोस्त था जिसका नाम था महाजर इब्ने औस, और ये तुम्हारी क्या कैफियत है, मैं तो जब नाम लिया जाता था शुजाओं का तो मैं तुम्हारा नाम लेता था। तो जनाब हुर ने कहा कि मैं अपने आप को जन्नत और जहन्नम के दरमियान देख रहा हूँ, खुदा की कसम मैं जन्नत को इख्तियार करूँ। उसके बाद खामोश हो गए। उसके बाद एक ऐसा मंजर पेश किया जैसे अपने असप बाबफा को पानी निकले, कि ये जाहिर किया कि जैसे पानी पिलाने जा रहे हैं। और फिर एक वक्त आया कि इमाम हुसैन के खेमे की जानेब आ गए। मकातिल में मुख्तलिफ चीजें बयान हुई, अपने जूते उतार के अपने गले में डाल लिए, बाज़ जगह बयान हुआ अपने हाथों को अपने सर पे रख लिया। ये सारी अलामतें थी उस जमाने में इंतहाई जिल्लत की, कि मैं आ रहा हूँ, मैं वही हूँ कि जिसने रास्ता रोका, लेकिन इंतहाई जिल्लत से, इंतहाई हकारत से आ रहा हूँ। इस आलम में जनाब हुर इमाम हुसैन के पास आए। बाज़ मकातिल में बयान हुआ कि अपने आप को इमाम हुसैन के कदमों में गिरा दिया। एक वक्त आया कि ज़बान पर गिरिया था, या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा, या अल्लाह मैं वो हूँ कि जिसने नबी के नवासे का रास्ता रोका, या अल्लाह मैं हूँ कि जिसने नबी की नवासियों के और नबी की आल के दिल को दहलाया। आंसू बहा रहे थे। बाज मकातिल में बयान हुआ कि बेटा, भाई और गुलाम भी पीछे पीछे आ गए। अजरकुम अल्लाह। एक वक्त आया कि इमाम हुसैन ने उठाया और सीने से लगाया। अब जनाब हुर ने कहा कि अल्लाह मुझे माफ कर देगा। इमाम हुसैन ने फरमाया बेशक अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया। अब जनाब हुर एक तकाजा करते हैं कि मुझे जाने की इजाजत दे दीजिए। और बाज जगह बाज मकातिल में बयान हुआ कि पहले मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा शहीद हो और उसका दाग मेरे सीने पर लगे, और उसके बाद मैं इस्तग़फ़ार करूँ। इमाम हुसैन ने बहुत चाहा, लेकिन जनाब हुर ने हमेशा यही कहा कि मुझ पर एहसान होगा, माफ हो जाए, कि जिस तरह नबी की आल को मैंने तड़पाया, जिस तरह नबी की आल को मैंने दहलाया, जिस तरह से नबी की आल को मैंने, मैं नहीं, मैं चाहता हूं कि मेरी इस्तग़फ़ार कबूल हो, पहले मैं अपने बेटे का खून देखकर अल्लाह की बारगाह में इस्तग़फ़ार करूंगा। एक वक्त आया कि जनाब हुर ने मुकाबला किया। जनाब हुर के फर्जंद कत्ल हो गए, चाहते हैं कि लाशा उठा के और दर्जा बुलंद करें, लेकिन अब इमाम हुसैन ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हुर के बेटे का लाशा उठाने के लिए खुद इमाम हुसैन बड़े, असहाब इमाम हुसैन बड़े, लेकिन हाय जब हुसैन अपने बेटे का लाशा
उठाना चाहेगा तो कोई ना होगा। अजरकम अल्लाह, एक वक्त आया कि जनाब हुर ने अब कहा कि अब मैं रन पे जाने की इजाजत चाहता हूँ, इमाम ने इजाजत दी। एक वक्त आया कि उमर साद की फौज को नसीहत की, जनाब हुर ने नसीहत का असर ना हुआ। एक वक्त आया कि मुकाबला हुआ, हर जानिब से घेर लिया गया, अब रन में एक निदा बुलंद हुई, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। एक वक्त आया कि इमाम हुसैन करीब पहुंचे, जन्नत की बशारत दी। हुर ने क्या कहा कि जब मुझे हुक्म मिला था आपका रास्ता रोकने के लिए और मैं दारुल अमारा से निकला तो मैंने क्या सुना कि पीछे से आवाज आ रही है कि ऐ हुर तुम्हें जन्नत मुबारक हो। मैंने घबरा के सोचा कि ये कैसी निदा हो सकती है, जन्नत की कैसे बशारत है, मैं रसूल के नवासे के मुकाबले के लिए जा रहा हूँ, उसके रास्ते को रोकने के लिए जा रहा हूँ, फिर मुझे निदा आई ऐ हुर तुझे जन्नत मुबारक हो। आज मैं समझा कि किस तरह से मुझे जन्नत मिली, लेकिन याद रखें कि ये जन्नत मिली सैयदा के एहतराम की वजह से। इस एहतराम के लिए तैयार किया इमाम हुसैन ने कि जब पहली दफा उन्हें झंझोड़ा, उन्हें जलाल दिलाना चाहा और एक इम्तिहान लिया, सकलत का उम्मुख, उन्हें जलाल ना आया। उसके बाद अगला इम्तिहान क्या था कि तूने फातिमा का एहतराम किया, फातिमा के आल का एहतराम किया। अब नतीजा यह हुआ कि बजाय जलाल आता, नमाज के लिए दिल नर्म हो गया। नमाज जोहर भी हुसैन के पीछे पड़ी, नमाज असर भी हुसैन के पीछे पड़ी। अब एक अजब ताज मिलना है, अजब तमगा मिलना है हुर को। एक वक्त आया कि जनाब हुर के सर से खून बह रहा था, इमाम हुसैन ने एक रुमाल निकाला जो तबर्रुकात में से था, रिवायत में नकल हुआ जनाबे सैयदा के हाथ का बना हुआ रुमाल था, ना फकत उनका रुमाल था बल्कि अपने हाथ बना हुआ रुमाल था। वो रुमाल जो तबर्रुक था, वो रुमाल जो माँ का तबर्रुक था, माँ के एहतराम की वजह से, माँ का एहतराम किया, माँ के एहतराम की वजह से जन्नत मिली। फातिमा का एहतराम आज भी जो करेगा, याद रखें जो भी आता है मजहब हक्का अहले बैत में वो फातिमा के एहतराम की वजह से आता है। जिसका भी दिल झंझड़ जाता है कि फातिमा को दरबार में लाया गया, फातिमा से गवाही मांगी, जिसका भी जमीर गवारा नहीं करता फातिमा की गवाही पे, वो हुर की तरह से आजाद होके अहले बैत की जानिब आ जाता है। इमाम हुसैन ने वो रुमाल निकाला, और याद रखें कि वो रुमाल खुद आइम्मा के घराने में भी एक नायाब चीज थी, एक तबर्रुक था। उस तबर्रुक को किसको दिया, जनाबे हुर के सर पे बांध दिया। या जनाबे हुर, आपको जन्नत मुबारक हो। हुर के माथे पर फातिमा का रुमाल, हुर का सर हुसैन की आगोश में। अजरकुम अल्लाह या हुर। कुछ ही देर के बाद हुसैन के सीने पे शब्द सवार होगा, एक हाथ में खंजर दूसरे में रीशे मुबारक होगी। हुसैन की निगाहें ज़ैनब के खैमे की जानिब होगी, सर तन से जुदा होगा। या हुर, आपकी बेटियों की चादरें महफूज रही, लेकिन हुसैन याने पड़ेंगे, तमाशे पड़ेंगे, चादरें और मक्तन मकने छिड़ेंगे। अल्लाह अल्लाह अला कौम الظالمين ما تم حسن